एक दिन एक लड़का जिसकी नई नई शादी हुई थी वो अपने दादा के घर में शिफ्ट हो गया। उसके दादा काफी बूढ़े हो चुके थे, इसलिए वो अपना घर और उनका पाला हुआ भेड़िया जिसे वो जंगल से बचा कर लाए थे सब कुछ अपने पोते को सौंप कर अपनी बेटी के घर रहने चले गए। ठंड का मौसम चल रहा था, एक दिन जब लड़का अपने काम पर गया तो उसकी वाइफ को काफी ठंडी लग रही थी, इसलिए उसने गर्मी के लिए घर में आग जलाई और घर का एग्जॉस्ट फैन ऑन करना भूल गई। लड़का जब काम से घर लौटा तो उसने देखा कि उसकी वाइफ घर में धुआं भर जाने के कारण फर्श पर बेहोश पड़ी हुई है। लड़के ने तुरंत फोन करके डॉक्टर को बुलाया। डॉक्टर ने सब चेक करने के बाद में बताया कि उसकी वाइफ और उसके पेट में पल रहा बच्चा दोनों मर चुके हैं। लड़का अपनी वाइफ को दफना आया, जब वो घर लौटा तो उसका भेड़िया बहुत जोर जोर से आवाज कर रहा था, इसलिए लड़के ने उसकी चैन खोल कर उसे छोड़ दिया। लड़का जब दूसरे दिन अपनी वाइफ की कब्र पर पहुंचा तो उसने देखा कि उसका भेड़िया उसकी वाइफ की कब्र को खोद रहा था और कब्र में से उसके वाइफ के कर्राने की आवाज आ रही थी। लड़के ने कब्र खोदकर अपनी वाइफ को बाहर निकाला तो उसकी वाइफ और उसका बच्चा दोनों जिंदा थे। दोस्तों इसे कहते हैं चमत्कार। डॉक्टर्स ने जिसे मरा हुआ मान लिया था वो अभी जिंदा थे। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना।